क्वेश्चन हमारे पास है वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर हम कर देंगे इसका सॉल्यूशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें कोई लॉस और गेनिंग नहीं होता, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड से। तो चलिए जान लेते हैं कार्बन का। सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले जानेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 और 4। तो 4 इसको स्टेबल होने के लिए, आपको जैसे कि पता है आउटर मोस्ट सेल में 8 होने चाहिए तभी स्टेबल होगा, इसको स्टेबल होने के लिए या तो 4 की रिक्वायरमेंट है या फिर ये 4 को लॉस कर देगा, ठीक है। तो लॉस ये कर नहीं सकता। लॉस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारी हेल्ड हैं, स्ट्रॉन्गली हेल्ड हैं न्यूक्लियस से, और ये इसलिए लॉस नहीं कर सकता। ये हमारा गेन भी नहीं कर सकता ड्यू टू द एनर्जी कंसिड्रेशन। और एनर्जी कंसिड्रेशन क्या होता है, ये वो वर्क डन होता है जिसके अंदर हमारा रिमूव होता है या फिर मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, इसके अंदर से। इसलिए हमारा ये ना तो लॉस कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, और ये ओनली शेयर कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नई नई क्वेश्चन को जानने के लिए, और आपको वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं हमारे चैनल के प्रोवाइड हो रहे हैं, उनको भी जाके देखिए और अपना बेस्ट दीजिए।